This London Top video is brought to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में, 24/7. CoinSwitch Kuber डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो. सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल. ट्रेड कर बेफिकर. एक होता है क्रिकेट और एक होता है फुटबॉल. क्रिकेट में रन बनते हैं, फुटबॉल में गोल पड़ते हैं. क्रिकेट में रन बनाने की कई विधाएं हैं, फुटबॉल में गोल करने की कई विधाएं हैं, लेकिन लोगों को इन विधाओं में कोई खास रुचि नहीं है. लोगों को मौज आती है इन विधाओं से निकलने वाले हैरतअंगेज रिजल्ट्स में. और क्रिकेट में ये रिजल्ट कभी स्टंप तोड़ गेंदों तो कभी मैदान पार छक्कों के रूप में आते हैं, जबकि फुटबॉल की बात करें तो आते हैं कमाल के गोल्स और जबरदस्त डिफेंडिंग के रूप में. अब इतनी लंबी भूमिका हो गई, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर कहना क्या चाहते हैं, तो चलिए बता ही देते हैं माजरा क्या है. जैसा कि सभी प्रबुद्धजन जानते हैं, यूरो 2020 चल रहा है. यूरोप की बेस्ट 24 टीमें इस ट्रॉफी के लिए आपस में भिड़ रही हैं. कुछ 8-9 मैच खेले भी जा चुके हैं और ये बात 8वें मैच की ही है. चेक रिपब्लिक और स्कॉटलैंड की टीमें स्कॉटलैंड के हैम्पडन पार्क में खेल रही थी. इन दोनों ही टीमों का पहला मैच भी था. चेक टीम 1-0 से आगे थी. ये गोल उनके फॉरवर्ड पैट्रिक शिक ने मैच के 42वें मिनट में किया था. अभी तक मैदान पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, हवा बह रही थी, लोग पूरी सुरक्षा के साथ मैच के मजे ले रहे थे. इस बीच शुरू हुआ मैच का दूसरा हाफ. 52वां मिनट, स्कॉटलैंड के मिडफील्डर स्कॉट मैकटोमिने ने गेंद आगे की ओर बढ़ाई. हेनरी ने इस पर शॉट जमाना चाहा, लेकिन गेंद चेक रिपब्लिक के डिफेंडर से लगकर लौट पड़ी. शिक ने गेंद पर कब्जा जमाया. उधर स्कॉटिश डिफेंडर इधर उधर बिखरे हुए थे और उनके गोलकीपर डेविड मार्शल भी अपने गोल से काफी आगे खड़े थे. बस शिक ने फैसला कर लिया. उन्होंने गोल से लगभग 135 फीट की दूरी से ही शॉट जमा दिया. गेंद पहले उड़ी और फिर लहराई. फुटबॉल में इसे कर्ल कहते हैं, CURL वाला. कहते तो जीवन में भी है, लेकिन अभी हम फुटबॉल की ही बात कर रहे हैं तो यहीं पर बने रहते हैं. ये उड़ती और कर्लाई गेंद चल पड़ी स्कॉटिश गोल के आगे. खतरा भाप मार्शल वापस लौटे, दौड़े भागे उछले कूदे, लेकिन गेंद को उसके अंजाम तक जाने से नहीं रोक पाए. इस प्रकार शिक ने दागा मैच का दूसरा गोल और मैच रहा चेक रिपब्लिक के नाम. वैसे कई लोगों का ये मानना है कि अब इस टूर्नामेंट में इससे बेहतर गोल नहीं हो पाएगा. अगर हुआ तो हम आपको जरूर बताएंगे और नहीं हुआ तो शिक के गुण गाएंगे. लेकिन ये सब करने से पहले आपको बता दें दिन के बाकी मैचों का हाल भी. दिन का दूसरा मैच हुआ पोलैंड और स्लोवाकिया के बीच. पोलिश गोलकीपर वोइचेस शेसनी ने ऑन गोल कर दिया और बचा हुआ काम स्लोवाकिया के डिफेंडर स्क्रिनियार के जरिए हो गया. उन्होंने पोलैंड के तालिस्मान रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को गोल नहीं करने दिया और फिर खुद अपनी टीम के लिए विनिंग गोल मार स्लोवाकिया को पूरे 3 पॉइंट दिला दिए. दिन का आखिरी मैच हुआ स्पेन और स्वीडन के बीच. इस मैच में 86% वक्त तक गेंद अपने कब्जे में रखने के बाद भी स्पेन की टीम गोल नहीं कर पाई. उनके स्ट्राइकर अल्वारो मुराटा ने एक बेहद आसान मौका गवाया, जिसकी चर्चा फैंस के बीच लंबे वक्त तक होगी. कुल मिलाकर स्पेन की टीम इस मैच में कई मौके बनाने के बाद भी जीत नहीं दर्ज कर पाई और स्वीडन ने बेहद कमजोर खेल दिखाकर भी मैच से 1 पॉइंट कमा लिया. आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी सूरज. मेरा नाम है दिव्यांशी. देखते रहिए दी लल्लन टॉप. शुक्रिया.